भोजपुरी हीरोइनों को भोजपुरी बोलने नहीं आती, लेकिन जब वो पर्दे पर भोजपुरी बोलती हैं तो सभी की सिट्टी बिट्टी गुल कर देती हैं। अब भाई गुजराती काजल राघवानी को ले लीजिए। गुजराती क्यों, काजल राघवानी तो मराठी भी बहुत ही ब्रिलियंटली बोल लेती हैं। शायद आपको पता नहीं है, काजल राघवानी काफ़ी अच्छी मराठी बोलती है, गुजराती बोलती हैं और भोजपुरी वो पर्दे पर बहुत अच्छा बोलती हैं। ये बात और है कि रियल लाइफ में उनको भोजपुरी बोलनी नहीं आती। अब मधु शर्मा की बात कर लीजिए, है तो मारवाड़ी, राजस्थान में पली बड़ी हैं, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन भोजपुरी जब वो पहले पर्दे पर बोलती है ना, तो भोजपुरी बोलने वाला भी शर्मा जाए, क्योंकि इतनी बेहतरीन भोजपुरी सुनने के बाद तो भाई सब कहेंगे कि ज़रूर इनका ताल्लुक भोजपुरिया जगत से रहा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले मधु शर्मा ने साउथ की कई फिल्में की थी, और भोजपुरी में आने के बाद उनके करियर को ठहराव मिला और भोजपुरी इंडस्ट्री ने उन्हें अपने लिए अपना लिया। आपको बता दें कि भोजपुरी में उन्हें सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस का खिताब मिला है, और भोजपुरी जब वो बोलती है ना तो मज़ा आ जाता है। अब बात कर लेते हैं शुभी शर्मा की। जी हाँ, इन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता है। शुभी शर्मा भी मारवाड़ी हैं और जयपुर से ताल्लुक रखती हैं। जी हाँ, शुभी शर्मा की अगर आप भोजपुरी सुन लेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे, कहेंगे कि भाई हो सकता है कि इनके परिवार में कोई भोजपुरी जानता हो, इसलिए शुभी शर्मा भोजपुरी इतना अच्छा बोल लेती हैं। लेकिन जब आप इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका यूपी बिहार से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। जब भोजपुरी बोलते वक्त ये शर्माती हैं तो आय हाय, बड़ी से बड़ी हीरोइने इनके सामने फिक्की लगती हैं। अब बात कर लेते हैं रानी चटर्जी की। रानी चटर्जी बेसिकली हैदराबाद की हैं। रानी चटर्जी हैदराबाद की हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आपको बता दें कि रानी चटर्जी का भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ यही ताल्लुक है कि वो भोजपुरी की एक कामयाब एक्ट्रेस है, और पहले पर्दे पर उनसे अच्छा भोजपुरी कोई नहीं बोलता, जिन्होंने भोजपुरी के तकरीबन हर पुराने और नए एक्टर के साथ काम किया है। तो भाई रानी की भोजपुरी सबसे पुरानी है और रानी की भोजपुरी में सबसे ज़्यादा मिठास है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ पुरानी हीरोइनों के बारे में, यानी कि रानी के समकालीन हीरोइनों के बारे में, जैसे कि रिंकू घोष। रिंकू घोष भोजपुरिया इंडस्ट्री से ताल्लुक उनका यही है कि वो भोजपुरी की एक कामयाब एक्ट्रेस है, तो वो बंगाली, शादी करके वो कतर जैसे देश में जाके बस चुकी हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में वो बड़े से बड़े दिग्गज हीरोज के साथ काम की हैं, और जब वो भोजपुरी बोलती थी तो सभी को लगता था कि घर की भाभी या चाची ही भोजपुरी बोल रही हैं। और अब बात करते हैं पाखी हेगड़े की। भाई सबसे कामयाब अगर भोजपुरी में कोई हीरोइन रही है तो वो पाखी हेगड़े। स्टाइल के मामले में या फिर कोई भी मामला ले लीजिए, पाखी हेगड़े बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस रही हैं। उन्हीं की कॉपी आजकल भोजपुरी की हर बड़ी हीरोइन करती है। पाखी हेगड़े साउथ इंडियन है, जी हाँ साउथ इंडियन है, और वो जब भोजपुरी बोलती हैं तो आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे एक साउथ की लड़की इतनी बेहतरीन भोजपुरिया पर्दे पर बोल सकती है। लेकिन हाँ, आपको जानकर ये भी ताज्जुब होगा कि भोजपुरी की आज कई बड़ी हीरोइनें जैसे कि अंजना सिंह, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह लाजवाब भोजपुरी बोलती हैं, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। और भोजपुरी के कुछ नई आने वाली हीरोइनें जैसे चांदनी सिंह, निधि, ये सभी भोजपुरी अच्छा बोल लेती हैं। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भोजपुरी इतनी प्यारी लैंग्वेज है कि अपने अंदर चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, साउथ इंडियन हो, मारवाड़ी हो, सभी को समेटे हुए है, और बड़े प्यार से, दुलार से सभी को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भोजपुरी उनकी ही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।